हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आर्ट फैक्ट्री पीडी। फ्रेंड्स, आपका अपना यूट्यूब चैनल है, आपकी अपनी क्रिएशंस है और आपकी अपनी क्रिएटिविटी है। देखिए आज कितना खूबसूरत सा आर्ट पीस मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ। ये है बेहद खूबसूरत सी लैंटर्न, एक वेस्ट पड़ी बॉटल और फेविकॉल के जोड़ के साथ बन जाएगी ये हमारी खूबसूरत सी लैंटर्न। ये देखिए, ये सब चीज़ें, ये सब जो मटेरियल है मैंने इसमें यूज़ किया है और आप खुद देख सकते हैं इसकी खूबसूरती अपने आप में ही यूनिक है और अपने आप में ही क्रिएशन, ये बहुत उम्दा है। सो फ्रेंड्स, बिना देर करते हुए चलिए हम शुरू करते हैं हमारा ये आर्ट पीस बनाना। और ये ली हमने फेविक्रिल की मोल्डेड क्ले। जी हाँ फ्रेंड्स, 20 रुपए की हमारी ये क्ले आती है और इसी से हम बनाएंगे ये बहुत खूबसूरत सा लैंटर्न। और देखिए, इस क्ले को मिक्स करना सबको आता है, सबको पता है। टैलकम पाउडर का यूज़ करके इसे मिक्स करते हैं एंड उसकी जो हम शेप देते हैं, हम उसको डेकोरेट करते हैं। वो किस तरह से करेंगे वो आप इसमें देखते जाइए, स्टेप बाय स्टेप आपको सभी स्टेप समझ में आएंगे और सभी स्टेप बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। आप ध्यान से देखेंगे तो आपको बिल्कुल भी कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली इसको बनाने में। ये देखिए, मैंने कुछ इस तरह से बनाने की कोशिश की थी इसमें और बहुत ही प्यारी बनी है, बहुत ही खूबसूरत लग रही है। आप लैंटर्न ना बनाकर इसको नॉर्मली भी किसी टेबल पर या कहीं साइड में रखेंगे ना फ्लावर्स डाल के, या फिर आप इसमें कैंडल्स लगा के, तो बहुत ही खूबसूरत लगने वाली है। मैं इस चीज़ को गारंटी के साथ आपको बता सकती हूँ क्योंकि मैंने ये बनाई है, मैंने देखी है। और ये देखिए, इस तरह से हमने डेकोरेट किया। उसके बाद जो शेप आपको देनी है वो शेप देते जाइए और उसको डेकोरेट करते जाइए। ये मैं चारों तरफ इसी तरह से ये जो स्टोन इफेक्ट है ना, ये दूंगी और इसको लगाएंगे। ये सबको पता है और सबको आता है, कोई ख़ास मुश्किल बात नहीं है। अगर मैं आपको ये सब भी बताती ना तो वीडियो हमारा बहुत लंबा हो जाता और बहुत लंबा वीडियो कोई भी देखना नहीं पसंद करता, वो बोरिंग सा हो जाता है। सो जो काम आप लोग इजीली कर सकते हैं ना, क्योंकि आप सब भी तो क्रिएटर हैं, मुझसे जुड़े हैं, हमारे आर्ट चैनल को देखते हैं, तो आप सब भी क्रिएटर हैं और बहुत अच्छी क्रिएशंस करते हैं, ये सब चीज़ें आपको आती हैं। सो देखिए, इस तरह से शेप दी और हम इस शेप को हम पेस्ट करते जाएंगे और जो हमारी बॉटल का अपर पार्ट है ना, उसको बिल्कुल इस तरह से डेकोरेट करेंगे कि वो ज्वेलरी पीस लगे। ये देखिए, कॉइल की तरह हम उसे बनाएंगे और जो नेक पोर्शन है ना बॉटल का, वहाँ पर उसको पेस्ट कर देंगे। सो फ्रेंड्स, जब आप ये बनाएंगे ना तो ज़रूर हमारे साथ शेयर कीजिएगा, आपने जब बनाया वो कैसा लगा आपको और किस तरह से आपने उसको डेकोरेट किया। आप इसको बिना फेविकॉल के भी लगा सकते हैं और फेविकॉल के साथ भी पेस्ट कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है, आप कैसे पेस्ट करना चाहते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि क्ले थोड़ा हार्ड हो जाती है, बार बार टूटती है, बट नो वरी, जब हम आर्ट पीस बेहद खूबसूरत बनाएंगे ना, कोई भी चीज़ हम सुंदर बनाते हैं तो वो बहुत ही नाजुक होती है। ये देखिए, मैंने एक वायर को बैंड करके उसमें स्ट्रो को डाल के और हमारा जो ढक्कन था ना, कैप थी बॉटल की, उसके ऊपर हमने उसको अच्छे से टाइटली लपेट दिया और उसको क्ले से कवर कर दिया। क्ले से कवर करने के बाद उसको अच्छे से टाइटली आप फिक्स कर दीजिए। हमारा जो वायर है ना, वो दिखना नहीं चाहिए, क्योंकि जब वायर दिखेगा तो वो अच्छा सा नहीं लगेगा और इस तरह से आपकी जो बॉटल की शो है ना, वो भी बहुत अच्छी सी बनेगी जब आप उसको बिल्कुल हाइड कर देंगे। मैंने बॉटल को पूरे को कवर कर दिया है हमारे क्ले से और अब हम कर रहे हैं उसको और भी किसी तरह से डेकोरेट करने की तैयारी। ये देखिए, मैंने उस पर एक फीमेल के फीचर्स बनाने की कोशिश की है और आई होप आप सबको समझ भी आ रहा होगा किस तरह से मैंने आप ये बनाया है। पेंसिल से उसको थोड़ा सा प्रेशर देकर और उसके लिप्स भी मैं क्ले से ही अलग से बना के लगा रही हूँ, कोई मैंने अलग से उसमें शेप नहीं दी है। आप जब बनाएंगे बहुत इजीली बन जाते हैं, छोटे छोटे हमारे जो टुकड़े बचते हैं ना क्ले के, उन्हीं से बन जाएंगे इसके लिप्स भी, नोज़ भी, आइज़ भी।
तो सब फीचर्स को अलग से हम बनाकर, अभी ये गीला है अदरवाइज़ मैं आपको ये लेटाकर बॉटल को फिर दिखाती। मेरा प्ले पार्ट थोड़ा सा गीला है फ्रेंड्स, सो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड एंड यू कैन इजीली लर्न फ्रॉम इट। सो आप देखिए मैंने फीचर्स बना दिए हैं और उस पर एक बिंदी भी सजा दी है बहुत खूबसूरत सी, क्योंकि हमारा जो इंडियन कल्चर है फीमेल की ब्यूटी बिंदी से निखरती है। सो इसको हम हेयर्स की भी शेप देंगे, जो मैंने ये ऊपर डिज़ाइन में लगाए हैं ना क्ले को ही शेप देकर, मैंने सिर्फ इसको हेड को ऊंचाई देने के लिए और बीच में थोड़ा सा मांग को शो करने के लिए मैंने लगाया है। और ये देखिए हमने अपनी जो ब्राइड जैसी, हमारी ये जो दुल्हन जैसी बनी है ना डॉल, उसको डेकोरेट करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके कि आप सबको ये कैसी लगी। अब हम हमारे जो बॉटल है, जितना भी क्ले पार्ट है, उस सब को ब्लैक कलर से पेंट करेंगे और ब्लैक कलर से पेंट करने के बाद हम उसको एंटीक टच देंगे। तो आप लोग ध्यान से देखिए कि ब्लैक कलर जो मैंने किया है बिल्कुल अच्छे से किया है, हर एक उसका जो छेद है उसमें बंद किया है, उसमें कलर किया है, अच्छे से उसको कलर करा है। और उसके बाद मैंने उसको किया है गोल्डन टच देकर फिनिश। सो फ्रेंड्स ब्लैक कलर करिएगा तो थोड़ा सा सावधानी से करिएगा बॉटल से बचाते हुए, लेकिन अगर बॉटल पर लग भी जाए तो डोंट वरी, वो गीले कपड़े से इजीली साफ हो जाता है और आप साथ साथ उसको साफ कर भी दीजिएगा, क्योंकि बॉटल पर जब दाग रह जाएगा ना तो वो हमें ट्रांसपेरेंसी होने की वजह से दिखाई देगा और वो थोड़ा सा अच्छा सा नहीं लगेगा। सो अब आप देखिए हमारा जो बॉटल है वो ऐसे भी बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है, और मैं भी जहाँ कलर लग रहा है तो उसे साथ साथ साफ कर रही हूँ बॉटम पार्ट और उसका अपर पार्ट। हम सब कुछ बहुत अच्छे से कलर कर रहे हैं और उसके बाद हम देंगे इसे गोल्डन टच। सो हमारा ब्लैक पोर्शन कंप्लीट हुआ और अब बारी है गोल्डन कलर करने की। गोल्डन कलर करेंगे हम और उसके बाद मैं आपको अगला स्टेप बताती हूँ। हमें गोल्डन वॉश की तरह कलर देना है, इतना ज़्यादा भी नहीं लगाना जो बिल्कुल पीला पीला हो जाए और इतना कम भी नहीं लगाना कि हमारा एंटीक फिनिश छुप जाए। ये बहुत ही ब्यूटीफुल सी बॉटल बनी है, बहुत ही एंटीक सा डिज़ाइन बना है, आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा इसको, बहुत ईजी है, बहुत अच्छा है और बहुत ही यूनिक है। मार्केट में अगर आप इस तरह के लैंटर्न ढूंढने जाते हैं ना तो बहुत कॉस्टली मिलते हैं और ये आपका ओनली 20-30 रुपीज़ की कॉस्ट में आपका बन जाएगा, क्योंकि कलर्स हम सब के पास होते हैं अवेलेबल, और नहीं भी हो तो 20-20 रुपीज़ के कलर्स आते हैं और आप उसको बहुत अच्छे से ख़रीद कर आप एक बार नहीं बहुत बार यूज़ कर सकते हैं। इसीलिए मैंने बोला कि 20-30 रुपीज़ की लागत में आपका जब इतना सुंदर सा आर्ट पीस बन रहा है तो हज़ारों रुपए क्यों वेस्ट करने मार्केट में। आप खुद बनाइए और जब अपने हाथ से आप कोई क्रिएशन बनाएंगे ना तो उसके कहने ही क्या, उसकी खूबसूरती तो आपकी मेहनत से बनी है ना, तो वो तो ऐसे भी बहुत ब्यूटीफुल लगने वाली है। ये देखिए हमारी जो डॉल है वो ऐसे भी बहुत सुंदर लग रही है, मुझे तो पर्सनली कहूँ तो इतनी प्यारी लग रही है तो मैं तो इसको सेंटर टेबल पर भी रखूँगी ना तो बहुत सुंदर लगेगी। कहीं भी आप इसको किसी भी पेड़ में, आपने जो होम गार्डन सब बनाते हैं आजकल, वहाँ पर कहीं कोई लटकाइए और उसके अंदर डाल दीजिए लाइट्स, बहुत सुंदर लगने वाली है। लाइट्स लगने के बाद ये शाइन करेगी और जब आप खुद देखेंगे ना इसे तो स्माइल किए बिना बिल्कुल भी नहीं रहेंगे।
सो फ्रेंड्स, वैसे तो ये यूं भी मुझे बहुत ब्यूटीफुल लग रही है, मैं इस पर ना भी कुछ और वर्क करूं तो भी अच्छी लगेगी, बट हाँ मैं थोड़े से स्टोन्स और थोड़े से मिरर्स मैं इस पर लगा रही हूँ ताकि ये और भी ज़्यादा शाइन करे और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल लगे। सो आप चाहे तो ये कीजिएगा, ना चाहें तो मत कीजिएगा, बट ये थोड़ा सा शाइनी सा लुक लग रहा था सो मैंने किया। बिल्कुल ही एंटीक लुक चाहते हैं तो आप ये ना लगाएं, इसके बिना भी ये बहुत अच्छा लगने वाला है। सो फ्रेंड्स, ये वही स्टोन्स हैं जो मैं ज़्यादातर अपने जो आर्ट पीसेज है ना उसमें यूज़ करती हूँ। सो आप किसी भी तरह के स्टोन्स का यूज़ कर सकती हैं, नहीं तो आप 3D आउटलाइनर लीजिए और उससे ये डॉट की तरह बना दीजिए। सिल्वर कलर का जो आता है 3D आउटलाइनर, उससे इस तरह से डॉट से बना दीजिए और बस आपका काम हो गया। बिल्कुल इजी है, पॉल बिल्कुल यूनिक है और बिल्कुल सस्ता है, पॉकेट फ्रेंडली आर्ट पीस है ये। मैं तो इसे पॉकेट फ्रेंडली आर्ट पीस ही कहूँगी, बहुत ही प्यारा है और इसे बचाकर ज़रूर रखिएगा, बहुत खूबसूरत है, हर कोई चाहेगा कि उसके घर में ये हो। देखिए कितना प्यारा लग रहा है, बिल्कुल ऐसा लग रहा है ना जैसे नेकलेस पहना हो हमारी किसी दुल्हन ने। सो ये देखिए, हम उसको हर तरह से सजाने की कोशिश करेंगे क्योंकि ज्वेलरी तो चमकती हुई अच्छी लगती है ना, बिल्कुल उसी तरह से। सो फ्रेंड्स, मेरी मेहनत को अप्रिशिएट ज़रूर कीजिएगा, जाने से पहले हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा अगर आपको पसंद आई है तो, और हाँ अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं ना तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और जो सब्सक्राइब के पास में बेल आइकन है उसे प्रेस करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इसी तरह के यूनिक और डिफरेंट काइंड ऑफ आर्ट पीसेस के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करके रख लीजिए। टाइम टू टाइम बहुत सारे आर्ट पीस, बहुत सारी फोक आर्ट्स, बहुत सारी पेंटिंग्स मैं आपको सिखाने वाली हूँ, बहुत कुछ है दिमाग में, अगर आप लोग साथ देंगे तो सब कुछ हम साथ मिलके ही करेंगे। सो बने रहिए हमारे साथ हमारी चैनल पर और क्यों ही बनाते रहिए अपने घर को खूबसूरत, अपने आप को खूबसूरत और अपने सभी परिवार को खूबसूरत। और रहिए डिप्रेशन से दूर, तनाव मुक्त रहिए और देखिए तैयार हो गई हमारी ये खूबसूरत सी लैंड क्रीम। थैंक्स फॉर वॉचिंग आर्ट फैक्ट्री PD।